मेरे बच्चों, कक्षा 9 और ये छठा सवाल हमारा 13.3 एक्सरसाइज का। शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपये प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है गुंबज है तो इसका सफ़ेदी करवानी है और सफ़ेदी इसके वक्र पृष्ठ पर होगी, तो इसलिए इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हम निकालते हैं। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए आप देखिए आधार का व्यास क्या है। आधार का व्यास बराबर है 14 मीटर, इसलिए आधार की त्रिज्या सात मीटर, तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल और पाई 22/7, आर भी 7 है और एल 25 है, कट गया तो आ गया 550 वर्ग मीटर। अब आप देखिए 100 वर्ग मीटर पर सफेदी का खर्च कितना है, 210 रुपये। 100 वर्ग मीटर पर सफेदी का खर्च 210 रुपये और 550 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल है, सफेदी का खर्च पर सफेदी का खर्च कितना आ जाएगा। आप देखिए 210 एक के लिए बटे 100, 550 में पुनः हमने 550, 1020 1020। इन दोनों की हम गुणा कर देंगे और इन दोनों की गुणा करने के बाद आता है हमारा 21 5 105, 10 21 5 105 और 10 115, 1155 रुपये ये खर्चा गया। इसके बाद सवाल नंबर 7, एक जोकर की टोपी शंकु के आकार की है जिसके आधार की व्यास की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। देखिए आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। ऊंचाई का मतलब ये ऊंचाई 24 है और ये त्रिज्या 7 है, ये 24 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर, तो तिरछी ऊंचाई निकाल लीजिए, तिरछी निकलेगी 25 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई यानी कि आधार की त्रिज्या 7
सेंटीमीटर ऊंचाई, चौबीस सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई L बराबर है R का वर्ग प्लस H का वर्ग का वर्गमूल, यानी L बराबर है क्या आ जाएगा, 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग का वर्गमूल, 49 प्लस 576 वर्गमूल, यानी कि वर्गमूल 625, मतलब 25 सेंटीमीटर। ये इसकी तिरछी ऊंचाई आ गई, तिरछी ऊंचाई कितनी बन गई, 25 सेंटीमीटर। एक टोपी का क्षेत्रफल, टोपी नीचे से खुली होती है इसलिए उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ही निकलेगा, होगा पाई आर एल। एक टोपी का क्षेत्रफल पाई आर एल, और पाई 22/7, आर 7, एल 25, 550 वर्ग सेंटीमीटर। 10 टोपियों के लिए, 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ता 550 गुना में 10 बराबर है 5500 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये 5500 वर्ग सेंटीमीटर, इतना गत्ता चाहिए। इसके बाद आखिरी सवाल इस एक्सरसाइज का, सवाल नंबर 8। किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है। शंकु के आधार का व्यास जो है वो कितना है, 40 सेंटीमीटर है। तो शंकु इस प्रकार का है। शंकु अब आप बिल्कुल फैमिलियर हो चुके हैं, शंकु कैसा होता है, शंकु और इसका आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1 मीटर है। एक मीटर ऊंचाई है, 40 सेंटीमीटर इसका व्यास है। 50 खोखले ऐसे शंकुओं से उसको अलग किया गया है और प्रत्येक शंकु का आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 1 मीटर है। इन शंकुओं को बाहरी पृष्ठ को क्षेत्र, मतलब बाहरी पृष्ठ को क्या करवाना है, पेंट करवाना है, यानी वक्र पृष्ठ निकालना पड़ेगा। वक्र पृष्ठ निकालने के लिए इसकी तिरछी ऊंचाई यानी कि तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसकी तिर्यक ऊंचाई हमने ज्ञात करनी है। पहले तो आप देखिए इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई बराबर है 1 मीटर, और मीटर में ही रखेंगे क्योंकि पेंट की दर 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो मीटर में ही है। आधार का व्यास, आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर, तो आधार की त्रिज्या
20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर, ये आधार की त्रिज्या 0.2 मीटर। अब इसके तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई 1 का वर्ग प्लस 0.2 का वर्ग का वर्गमूल, यानी 1 प्लस 0.04, और ये हो जाएगा 1.04 वर्गमूल। और इसका मान दे रखा है 1.04 वर्गमूल का मान है 1.02, यानी कि L बराबर है 1.02 मीटर। या अब ये तिर्यक ऊंचाई भी आ गई, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर, पाई आर एल, और पाई का मान 3.14 दे रखा है यहाँ पर, पाई 3.14 लेनी है। आर 0.2 मीटर, एल 1.02 मीटर, ये। और इन सब को हम गुणा करते हैं तो हमारा निकलता है 64.56, यानी 0.64056, ये निकलता है। एक वर्ग मीटर पर, एक वर्ग मीटर पर पेंट का खर्च, ₹12। 0.64056 वर्ग मीटर पर पेंट का खर्च ₹12 × 0.64056। अब 12 से इसको हम गुणा करते हैं तो देखिए 12 × 6 = 72, 12×5 = 60, और 2 12×6 = 72, 12×5 = 60 और 7 67 12×5 = 60 और 67 हो जाएगा, 12×6 = 48, 8 12×6 = 72 और 4×6 = 76, यानी 7 1 2 3 5 5, यानी कि 5 के बाद 0.7 0.6867, आप यूँ कह सकते हैं ₹7.69 एक पर खर्च हो जाएगा, लगभग ये एक पर खर्च है। और 50 पर खर्च कितना होगा, या आप इसको इतना ही रहने दो, अभी 50 का निकालना है, तो 50 शंकुओं पर खर्च 7.68672 × 50, तो ये 50 शंकुओं पर वो करना है, तो हम इसको अब गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा, लगभग हमारा निकलता है ये 384 रुपये 34 पैसे। लगभग ये खर्च इस पर है, ये इतना खर्च, क्योंकि ये बड़ी संख्या, हमने इसको लगभग में कर दिया, लगभग इतना खर्च। इसके साथ ही ये
एक्सरसाइज खत्म होती है। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज करें। धन्यवाद बेटा।